प्रेज द लॉर्ड, आप सबों को स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। निश्चित तौर से प्रिय, आपको मालूम है हम यूहन्ना का सुसमाचार अगर पढ़े, वहां सिमोन पत्रस यीशु मसीह से ये कहता है, हम किसके यहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो ये कह रहा था कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे पास ही सब कुछ है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, उस यीशु के पास ही सब कुछ है प्रियो, और वहीं से हमें सहारा मिलता है, हमें भरोसा मिलता है। निश्चित तौर से प्रियो, अब तक वो हमें सहारा देता हुआ आया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें सहारा देते रहेगा, हर समय हर पल, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम आज एक सादरी सॉन्ग गाएंगे। सब कोई झूमते हुए नाचते हुए अपने घरों में, अब जहीं से भी सुन रहे हैं, अब आराधना में आइए, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महान है, सही में प्रियो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, मुके ना भुलाबे मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना, मुके ना बुलाबे मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना, ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। प्रभु, तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जगा प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे, और जगा प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे, मैं तोर गुण गाबो मैं तोर गीत गाबो, मैं तोर गुण गाबो मैं तोर गीत गाबो, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना, मुके ना भुलाबे मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना, ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में हमारा केवल सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जितने मेरे प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, वो भले ही सोचते रहे हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तू ही है प्रभु। तोए मुके प्रभु अपन डहर में लेके चला, अपन
डहर में लेके चलाओ, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा ए यीशु, ई दुनिया में के ना भुलाबे मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना, मुके ना भुलाबे मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला धन्यवाद देते हैं प्रभु, निश्चित तौर से तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। खुदा हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, लेकिन हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा और भरोसा है। प्रभु इस घड़ी समय त्रिदास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा आपने उन्हें अभिषेक किया है, खुदा परमेश्वर उनके मुख से जो वचन निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बदलाहट और एक उन्नति सफलता को ला रहा है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए, इस समय के लिए, कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम उसके वचनों के साथ में सहभागिता रखें और ढेर सारे बातों को सीखने पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं आप सबको भी स्वागत करते हैं हम लोग। आप लोगों का सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण से हम इस टेलीकास्ट को लाने पाते हैं। निश्चय परमेश्वर आप लोगों को शत प्रतिशत आशीष करेगा, 100-fold आपको ब्लेस करेगा। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का फेवर आप लोगों के जीवन में बढ़ रहा है। हालेलुया, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज एक सुंदर मौका दिया कि तेरे वचन के साथ में हम लोग सहभागिता रखने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता ढेर सारी बातों को सीखने पाए। हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को रखिए प्रभु जी, इस समय मेरे मुख को प्रभु जी आप परमेश्वर पिता स्पर्श कीजिए और प्रभु जी हमें अभिषेक कीजिए, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को लेकर आने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन आमेन हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और वो है यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, पैराबल्स ऑफ जीसस पार्ट 32 में, और जिस थीम में मैं आज बात करने को जा रहा हूँ, जिस दृष्टांत के ऊपर में है, वो है द ग्रेट फीस्ट, यानी महाभोज। मैं हम बताना चाहते हैं कि जो सीरीज जा रहा था, आज ये सीरीज का हम लोग एंड कर रहे हैं, कुछ दृष्टांत बच गए हैं करीब 5-6, उसको मैं बीच बीच में कभी लेकर आऊंगा, लेकिन ये सीरीज के रूप में आज यहाँ पर हम लोग ये अंतिम सीरीज के रूप में जा रहे हैं। बहुत सारे और दृष्टांत सब बचे हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में हम कभी चर्चा करेंगे, जैसे कि बुद्धिमान भंडारी, शादी का भोज, ये तो महाभोज है, शादी का भोज ये एक दृष्टांत है, 10 कुमारी का बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, और दाख की बारी का मालिक, भेड़ और बकरी, और जागरूक दास, ये सारे जो दृष्टांत हैं इसको हम लोग बाद में बीच बीच में मैं आपके पास में लेकर आऊंगा, जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा उस तरह से, लेकिन ये सीरीज को दृष्टांत जो हम लोग चल रहा है उसको आज पार्ट 32 में हम लोग जाकर खत्म कर रहे हैं। हालेलुया, सो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत सारे बातों को इन सारे दृष्टांत में सीखे हैं, और एक बात ध्यान दीजिए कि जिस दृष्टांत को भी हमने एक्सप्लेन किया है वो पर्टिकुलर अपने एंगल से पवित्र आत्मा ने जिस तरह से रखा आपके बीच में रखे हैं, वो दृष्टांत का मीनिंग जो इस टेलीकास्ट के द्वारा से इस चैनल में बताया गया केवल उतना ही नहीं है, इसका और भी प्रकाशन सब और भी प्रभु के दास लोग अलग तरीके से आप लोगों के बीच में ला सकते हैं, इसीलिए आप हमारा और उनके साथ में तुलना मत कीजिएगा, वो लोग भी अपने स्थान में अपने तरीके से सही रह सकते हैं, गलत नहीं होंगे, लेकिन हमको जिस तरह से स्टडी के द्वारा से परमेश्वर ने हमारे दिल में जो बात को डाला उसी हिसाब से हम आपके बीच में लेकर आए थे। हालेलुया, सो आइए हम लोग आज के इस दृष्टांत में जाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे। ये दृष्टांत हम लोगों को मिलेगा लुका रचित सुसमाचार उसका
14 अध्याय उसका 16 से लेके 24 आयत तक। आइए इस दृष्टांत को हम लोग पढ़ेंगे और आज एक शॉर्ट मैसेज जाएगा, बहुत लंबा हम नहीं जा रहे हैं। आमीन, हम लोग पढ़ेंगे इसको। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। हाँ, एक मिनट। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। नीचे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, भोज का दिन अलग है और निमंत्रण बहुत आगे कर दिया है। ओके, ताकि लोग जिसको निमंत्रण दिया है उनको पता चले कि भोज में उनको जाना है और भोज में जाने के लिए वो लोग तैयार रहे, अपने वक्त को वो लोग निकाल के रखें। ओके, तो जब इन्विटेशन रहता है तो एक एक भोज में देने वाला हूं, कब दूंगा वो पता नहीं। इस तरह से कभी भी कोई भोज नहीं करता है। एक भोज का जो एक स्पेसिफिक समय रहता है, टाइम रहता है। ओके, तो जो जिस तरह से दृष्टांत को रखा गया है यहाँ पर, वहां पर भोज देने वाला व्यक्ति जरूर जब इन्वाइट किया है तो जरूर तारीख दिया हुआ था। ओके, ताकि वो लोग अपना समय को अलग से निकाल के रखें उसके लिए। इस तरह से भोज दिया जाता है। आपके पास में एक शादी का इनविटेशन कार्ड रहता है तो वहां दो इंपॉर्टेंट चीज को हम लिखने की कोशिश करते हैं कि भोज कौन सा तारीख को है, किस वेन्यू में है, किस स्थान में है। इस चीज को हम लोग बाखूबी अच्छी तरह से जानते हैं और हम अपने समय को उसी तरह से हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं ताकि हम उस भोज में जाने पाए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग इस संदर्भ को देखने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखता है। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर देख रहे हैं। जब हमारे एरिया में जब आप लोग और हम लोग भोज करते हैं तो भोज का दिन में दोबारा हम लोग इन्वाइट करने के लिए नहीं जाते हैं, रिमाइंडर नहीं भेजते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो भोज तैयार हो गया है तो अपने नौकरों को जो भोज दे रहा है उस व्यक्ति ने रिमाइंडर के रूप में उसी दिन भेज रहा है कि जा भोज तैयार है। और ये जो भोज सब है, उन दिनों में जो यहूदियों का संस्कृति था उनमें कई एक जो भोज होते थे ना, सिंगल डे का नहीं रहता था भोज। जो वहां का विवाह का जैसे भोज रहता था वो सब 7 डेज के लिए रहते थे, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो उपलक्ष रहते थे उसमें सिंगल डे का भोज नहीं रहता था, 2 दिन 3 दिन। और खासकर शादी विवाह का जो भोज रहता था तो 7 डेज के लिए फुल फ्लेज रहता था। आप यहूदियों की संस्कृति को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रेज गॉड, तो भोज तैयार है, आओ और भोजन करो, भोज में आओ बोल के एक रिमाइंडर भेजा गया है। ओके, जब रिमाइंडर भेजा जा रहा है तो जिनको इन्वाइट किया गया था वो लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आइए देखेंगे उसको। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। यहाँ पर एक व्यक्ति जो इनविटेशन मिला था उसमें से एक जगह है, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। अब ये किस प्रकार के एक्सक्यूज दे रहे। ओके, नहीं जाना चाहता उस भोज में, उसको टाल रहा है। ओके, और ये जो भोज देने वाला व्यक्ति है, एक बड़ा भोज है और भोज में कौन जाना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग किस प्रकार का यहाँ पर लोगों का मेंटालिटी है कि भोज में इनवाइट किया गया है लेकिन लोग आना नहीं चाह रहे। ओके, और वो जिस प्रकार का एक्सक्यूज दे रहा है, बोल रहा है मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। अरे, खेत देख के खरीदा कि बिना देख के खरीदा? ऑलरेडी वो देख चुका है। जब भी हम एक खेत खरीदना देखना चाहते हैं हम लोग सारा पट्टा चेक करते हैं, हम लोग जमीन को जाके देखते हैं और उसके बाद हम लोग खरीदते हैं। ये व्यक्ति किस प्रकार से खरीद रहा है कि वो पहले खरीद लिया है फिर बाद में देखने जा रहा है, ये सरासर एक्सक्यूज दे रहा है। ओके, टाल रहा है, वो जाना नहीं चाहता। फिर दूसरा व्यक्ति क्या आंसर देता है, आगे देखते हैं हम लोग। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर एक व्यक्ति का क्या बोल रहा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। यहाँ पर और एक चीज छूट गया है, वहां पर लिखा हुआ है कि किसी ने बैल है ना, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, उन्हें परखने जाता हूँ। अरे, बैल जब जोड़े जो खरीदा है उसको परखने के बाद ना खरीदेगा, अब पहले खरीदता है फिर मैं परखने जाता हूँ बोलता है। ये भी एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर है एक्सक्यूज दे रहे हैं, टाल रहे हैं, वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। तब नौकर आकर बताता है मालिक को क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। हाँ, तो ये स्वामी जाता है और नौकर को कहता है कि तू जा और नगरों में और बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, तुरंत जाकर कंगालों, ओके, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ, ये बोल रहा है यहां पर। उसके बाद दास ने फिर आकर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है और फिर भी जगह है। ये मालिक का पास में इतना जगह है,
भोजन इतना पर्याप्त रूप में है कि और लोगों को भी बुलाने से वहां पर वो लोग पर्याप्त रूप से खा सकते हैं। इस प्रकार के दृष्टांत को सामने रख रहा है। आगे देखेंगे, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हाँ, ऐसे बोलता है। अब ये जो खास दृष्टांत है किसके विषय में, कब, किस संदर्भ में कह रहा है, ये बड़ा ही अजीब सा लगता है यहाँ पर। लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो दृष्टांत है निकल कर आया क्यों, क्या हुआ है। तो इसका आगे थोड़ा सा चले जाएंगे तो लुक का रचित सुसमाचार उसी अध्याय में हम लोग 14:12-15 में एक चीज को पढ़ते हैं जिसके कारण से ये दृष्टांत उभर कर आया है। आइए क्या होता है देखते हैं उसको। तब उसने अपने नेता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहीं पर नेता दिया गया था तो वहां पर भोजन कर रहा है या करने वाला है या तो कर चुका है, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नेता देने वाले से कहा तो तुम क्या करना बोलते, क्या करना बोलता है, है ना, कुटुंबियों धनवान पड़ोसियों को ना बुलाना, कि ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। तो मतलब किसको बुलाना नहीं बुलाना, ये जो है ना ये बुलाने को वाला चीज जो है ना, ये इसमें भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है। जब हम लोग किसको बुलाएंगे, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों टुंडों लंगड़ों और अंधों को बुला। तो ये फिजिकल रूप में वास्तविक रूप में कैसे लोगों को बुलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, यह बात को यीशु मसीह उनको सिखा रहा है। फिर कहता है तब तू धन्य होगा क्योंकि उसने उसके पास तुम्हें बदला देने को कुछ ना होगा। तो जिसको हम मदद करते हैं या जिसको हम भोजन खिलाते हैं वो लोग अपना बदला चुकाने का ताकत नहीं रखते हैं अगर, तो फुल फ्लेज ब्लेसिंग परमेश्वर से डायरेक्ट हमारे जीवन में आता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एक प्रिंसिपल को यहाँ पर स्थापित कर रहा है, बता रहा है। फिर आगे नेक्स्ट क्या लिखता है, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। हाँ, तो उनके पास जब बदला देने को कुछ नहीं है, परंतु एक मिनट, उनके पास जब बदला देने को कुछ नहीं है तो धन्य कैसे होगा। उनके बदले में कौन आपको आशीष करेगा मालूम, परमेश्वर एक्चुअली आपको आशीष करेगा। तो परमेश्वर के पास बदला देने को बहुत कुछ है, अगर वो लोग आपको बदला देंगे तो आपको सही ढंग से देने नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को बुलाओ कि वो लोग बदला देने नहीं पाएंगे, सिर्फ कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आपने इस बंदे के द्वारा से हमारी मदद की है, हमें भोजन खिलाया है, प्रभु इनको आशीष कर। उनके प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर एक्शन में आएगा और जब वो ब्लेस करेगा तो भरपूरी से आपको ब्लेस करेगा। ये एक प्रिंसिपल को प्रभु ने यहाँ पर स्थापित किया है। ओके, फिर इसके संदर्भ में क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है, आगे देखेंगे। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। फिर उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, हाँ, उसके साथ में कुछ भोजन कर रहे थे मसीह के साथ में, एक ने यह सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हाँ, तो टॉपिक क्या हो गया, उसका टॉपिक कहाँ छिड़ गया, कुछ यीशु मसीह प्रिंसिपल सिखा रहे। ओके, ये परमेश्वर के राज्य का बात को छेड़ दिया, क्या बोल रहा है, टॉपिक कहां आ गया, परमेश्वर का राज का बात। तो यीशु मसीह परमेश्वर का राज का बात में भी एक प्रकार का भोज है, उसको अभी प्लेसमेंट में डाल रहा है। नॉर्मल प्रिंसिपल को डाला कि तुम लोग जब भोजन करने के लिए बुलाते हो, खाने के लिए बुलाते हो, तो ऐसे लोगों को बुलाना अगर तुम आशीषित होना चाहते हो, एक प्रिंसिपल को स्थापित किया। लेकिन यह व्यक्ति जो है परमेश्वर का राज के विषय में जब बात कर रहा है ना, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा, इसका मतलब इसके पास में परमेश्वर के राज के विषय में कुछ तो ज्ञान है और आने वाला जो राज आने वाला है, ओके, इसके विषय में कुछ ज्ञान है। तो अब इसका ये आंसर के द्वारा से उस लेवल का आंसर को यीशु मसीह दे रहा है। लेकिन जब ये दृष्टांत को यीशु मसीह बोल रहा है तो यहूदी लोगों का, विशेष करके फारिसी और शास्त्रीय लोगों का मेंटालिटी को, उनके सोच विचार को टच कर रहा है। फारिसी शास्त्रीय लोगों का और यहूदी लोगों का कुछ एक टाइप का मेंटालिटी था, सोच विचार था। किस प्रकार का सोच विचार था जिसको एक्चुअली यीशु मसीह खंगालने का कोशिश कर रहा है इस दृष्टांत में, वो क्या था कि यहूदी लोगों को ये मान लिए थे कि पर अब्राहम का परमेश्वर से आशीष पाने वाले लोग सिर्फ हम हैं, हम ही लोग पा सकते हैं, दूसरा लोग कोई नहीं पा सकता है। एक बायस बना दिए थे, एक बाउंड्री लाइन बना दिए थे, है ना, और अब्राहम के संतान है बोल के इनका एक प्रकार का अलग घमंड हो गया था।
ऑफ कोर्स अब्राहम को परमेश्वर ब्लेस किया था और उसके द्वारा से इजरायलियों को आशीष किया है। अब्राहम के संतान लोग ही है, इजरायली लोग उसी के उसी मूल पुरुष से आए हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह का टाइम तक आने तक इन लोग का जो मेंटालिटी है ह्यूमैनिटी को लेके, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है, अब्राहम के संतान हो चाहे अब्राहम के संतान में से ना हो, नॉन ज्यूज हो, इजरायली लोग जो लोग नहीं है उनको भी परमेश्वर बनाया है और उतना ही प्यार करता है। इसीलिए जुहाना उसका 3:16 में साफ साफ लिखा हुआ, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वहां पर इस तरह से नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने यहूदियों से प्यार किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया, वहां जगत से प्रेम किया लिखा, वो सारे जगत को सामने लेकर आता है, सबके लिए लेकर आता है। लेकिन वो अब्राहम का परमेश्वर जो है उसका आशीष को पाने का एंटाइटलमेंट सिर्फ हम लोगों का, यहूदी लोग, हम इजरायली लोगों का है, इस प्रकार का मेंटालिटी था। तो उस मेंटालिटी को तोड़ रहा है प्रभु, तोड़ने के लिए दृष्टांत को कहा है, ओके, और उस दृष्टांत को सामने लेकर आया। तो देखिए ये लोग अब्राहम के संतान है बोल के ये लोग का एक अलग टाइप का एक घमंड था। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 34-40 हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, बल्कि यीशु मसीह यहाँ से बात को छेड़ रहा है। ओके, फिर आगे, दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। ओके, आगे, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जानता हूँ तुम लोग अब्राहम के वंश के हो, जिस बात को लेके जो तुम बहुत जो घमंड करते हो ना, वो मुझे मालूम है तुम लोग अब्राहम के वंश के हो, मैं जानता हूँ। अच्छा, यीशु मसीह किसका वंश का था? उसी अब्राहम में से आया। यीशु मसीह स्वयं यहूदी था, लेकिन इनका मेंटालिटी क्या था? अब्राहम का आशीष हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से मिलेगा, हम लोग को वाचा बांध है, लेकिन उसी अब्राहम के थ्रू से एक बात जो परमेश्वर ने कहा था, सुसमाचार अब्राहम को सुनाया था, उस सुसमाचार के अनुसार अब्राहम को कहा गया कि तुम्हारे द्वारा से सारी जातियां आशीषित होंगी। उस बात को लोग ठीक से रेवलेशन उसको प्राप्त नहीं करने, सारी जातियां, और सारी जातियां कैसे आशीषित होंगे? यीशु के द्वारा से। और यीशु मसीह आ गया, अब्राहम के संतान तो ये लोग भी हैं, अब्राहम में से होके तो कौन, यीशु मसीह भी आया है, लेकिन यीशु को नहीं पहचान रहे। तो यीशु मसीह को बाईपास करके वो अब्राहम का आशीष को लेना चाह रहे। तो ये सारा इनके बीच में टसलिंग, उनके बीच में मुठभेड़ होता था यहूदियों का और विशेष करके फारीसी शास्त्रियों का, और यहाँ पर उस बात को यीशु मसीह छेड़ रहा है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ, तुम लोग अब्राहम के संतान हो, तो भी तुम लोग तो अब्राहम के संतान, और मैं भी अब्राहम के में से वंश में सारा, तो भी मेरा वचन तुम्हें तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाउ कम, मैं जो वचन बोल रहा हूँ तुम लोग का हृदय में जगह नहीं पाता। फिर आगे, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ऊपर से तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो। ओके, फिर आगे, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। हाँ। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। और फिर से वही पॉइंट में, हमारा पिता तो अब्राहम, तुम किस पिता का बात कर रहे हो? आगे, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। फिर, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। ये लोग का दिमाग तो अब्राहम 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 में जाके अटका हुआ था। ओके, तो इस मेंटालिटी को खंगालने के लिए, इस मेंटालिटी को धक्का देने के या तो हिलाने के लिए प्रभु ने उस दृष्टांत को रख दिया उनके पास। ओके, सो परमेश्वर का इंटेंशन ये नहीं था कि अब्राहम के संतान जो लोग हैं और उसमें से जो इजरायली लोग आए हैं वही लोग आशीषित हो ना। तो वर्ल्ड को एक्चुअली दो भाग में डिवाइड किया गया, भीड़, एक ज्यूस एक नॉन ज्यूस, यहूदी और गैर यहूदी। तो यहूदी लोग जो है इसराइली लोग हैं, और इसराइली को छोड़ देने से बाकी जितने देश के लोग हो गए, ओके, वो सब गैर यहूदी हैं, वो अन्य जाति में गिनाते हैं, अंग्रेजी में जिसको जेंटाइल्स बोलते हैं। और उन जेंटाइल्स में, अन्य जातियों में आप और हम भी होते हैं। कौन? भारत देश के लोग। हम लोग यहूदी लोग नहीं है, हम लोग अन्य जाति में से आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस दृष्टांत में ये बताना चाहा है कि है ना, विवाह के भोज में जो निमंत्रण दिया गया है वो निमंत्रण एक्चुअली में पहले किसको आया? यहूदी लोगों का आया। लेकिन यहूदी लोग क्या कर रहे हैं?
जैसे यीशु मसीह को नकार रहे, यीशु मसीह को ठुकरा रहे, तो वो विवाह के भोज में फिर कौन लोग ज्यादा शामिल होंगे, जिनके लिए दरवाजा बड़ा बड़ा दरवाजा खोल दिया। जाओ नगरों में, जाओ गलियों में, जाओ लंगड़ों को, टूंडों को, अंधों को, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लंगड़े, टूंडे, अंधे, गरीब, है ना, जो लोग तिरस्कृत किए जाते हैं, ओके, अन्य जातियों के लोग तिरस्कृत करते थे, क्योंकि अब्राहम के संतान हम लोग हैं, अब्राहम का आशीष हम लोग लेंगे, परमेश्वर का आशीष हम लोग ही के पास आ सकते हैं, दूसरे पास नहीं जा सकता है। ये यहूदी लोगों का एक मेंटालिटी स्टैब्लिश हो गया था, और उसी चीज को प्रभु मार रहे हैं। तो आप और हम इस दृष्टांत के अनुसार उन भीड़ में से हैं, है ना, गलियों में जाओ, नगरों में जाओ, मार्केट प्लेस में जाओ, जहां पर हम लोग मुलाकात हुए और हम लोग को प्रभु बुला लिया है, उसमें किस में, उस भोज में शामिल करने के लिए। आमेन, प्रेज़ गॉड। तो प्रभु का स्पष्ट उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं आशीष देने के लिए आया हूं, केवल अब्राहम का वंश लोग आशीष नहीं पाएंगे, हालांकि अब्राहम का आशीष अन्य जाति लोग भी पाएंगे। आइए उन सारे बातों को, उसका स्पष्टीकरण को देखेंगे। इसलिए आप और हम, जो चीज की हम लोग यहूदी में से नहीं होने के बावजूद भी हम लोग बराबर यहूदी लोग जो आशीष पाते हैं, और अब्राहम का आशीष जो उन्होंने पाया है, एग्जैक्टली उससे बढ़कर या तो वैसी आशीष बराबर हम लोग प्राप्त करते हैं और आप प्राप्त करते हैं। इसलिए याव बांधी, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 16 आयत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मेरी और भी भेड़े हैं, यीशु मसीह बोल रहा है, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, हाँ, जो इस भेड़शाला की नहीं, यानी इस भेड़शाला की नहीं, इस भेड़शाला की नहीं, जो इजराइलियों में से नहीं है। कौन सा भेड़शाला? यहूदी वाला भेड़शाला। कौन सा भेड़शाला? इजराइली वाला भेड़शाला। इस भेड़शाला की नहीं है, और भी भेड़े हैं बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? अन्य जाति में से भेड़ लोग हैं। उनके विषय में क्या बोलता है, नीचे लिखा हुआ पढ़ेंगे। मुझे उनका भी लाना अवश्य है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड मतलब इजरायली और अन्य जाति को मिला के एक झुंड बनाएगा। चरवाहा एक होगा, कौन? यीशु मसीह स्वयं वो चरवाहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर का इंटेंशन था। हालांकि एक ड्यूटी के रूप में यीशु मसीह को प्रभु ने कह दिया था, पिता परमेश्वर, कि इजराइल की खोली खोए हुए जो भेड़ है उसको हटके और कहीं नहीं जाना। और इसीलिए यीशु मसीह इजराइल के अंदर में ही मूव करता था, लेकिन कई एक बार पिता परमेश्वर उसको अगुवाई किया है, इसीलिए अन्य जाति देश लोगों के बीच में भी पहुंच गया। और एक कनानी स्त्री को भी कैसे आशीष किया, नीचे हम लोग देखेंगे। ओके, सामरिया जो कि अन्य जाति के रूप से और तिरस्कृत लोग कहलाते थे, है ना, जैसे कि जो है ना, हम लोग आई थिंक 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि मुझे सामरिया से होके जाना जरूरी है बोलता है, और सामरिया में पहुंच जाता है। सामरी लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था यहूदी लोगों से, और यीशु मसीह वहां सुसमाचार प्रचार करता है और पूरा गांव यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम लोग देखने पाते हैं। और इनका मेंटालिटी एक्चुअली यहूदियों का मेंटालिटी अन्य जातियों के लिए और नॉन ज्यूस के लोगों के लिए दूसरा था। इसीलिए क्या होता है कि यीशु मसीह भी चेलों को भेजता है कि भाई तुम लोग जाओ और इसराइल के खोड़े हुए भेड़ों को छोड़कर दूसरा कहीं नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह तो हैंडल कर सकता है अन्य जातियों को, लेकिन ये लोग ट्रांसफॉर्म नहीं है, चेंज नहीं हुए हैं, इसीलिए ये लोग क्या है ना, अन्य जातियों से मुलाकात करेंगे तो ठीक से डील नहीं करने पाएंगे, क्योंकि ये लोग माइंड में एक्सेप्ट नहीं किए, हार्ट में इनको एक्सेप्ट नहीं किए, तो उनको सुसमाचार देंगे कैसे, उनको सेवा देंगे कैसे। इसीलिए चेलों को स्पेसिफिकली के लिए बोला था कि इसराइल के छोड़े हुए भेड़ों के बीच में जाना, लेकिन यीशु मसीह जब मूव करता है तो इसराइलियों के खोए हुए भीड़ के बीच में तो जाता ही जाता है, और उसके अलावा भी कई एक जगह में यीशु मसीह के द्वारा से अन्य जाति लोग आशीषित हुए। उसमें से एक व्यक्ति को हम लोग जानते हैं, एक सूबेदार जो रहता है, ओके, वो सूबेदार यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करता है कि उसके विश्वास का एग्जाम्पल को दूसरों को देता है कि देखो मैंने यहूदियों में भी इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसे कि अन्य जाति व्यक्ति के पास में विश्वास है बोलता है, और वो व्यक्ति आशीषित होता है। तो उनको भी मिनिस्ट्रिंग किया है, हालेलुया, लेकिन ज्यादातर क्या किया है, यहूदियों के बीच में मिनिस्ट्रिंग किया है। लेकिन इंटेंशन इसके द्वारा से क्या दिखता है, इस वचन के अनुसार, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे भेड़ जो इजरायली में से नहीं है, उनके प्रति प्रभु का प्यार उमड़ रहा है और आज भी उमड़ रहा है,
और उन्हीं के बीच में से हम लोग चुने गए हैं और उन्हीं के बीच में से हम लोग सेवा भी दे रहे हैं उनके बीच में। ओके, तो आप अगर एक सेवक हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है अन्य जाति व्यक्ति, वो सुसमाचार सुन के प्रभु में नहीं आएगा। प्रभु उनको खींचेगा, उन भेड़ों को भी जो इजराइली वाला भेड़शाला में से नहीं है, ओके, उनको मैं लाऊंगा बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप हियाव बांध के सेवा कीजिए, मत डरिए और मत घबराइए। आमीन, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हो सकता है तो उपवास कीजिए, प्रभु ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा और वो लोग तुमको कॉल करेंगे। मेरे साथ इन दोनों में ऐसा हो रहा है, किसी व्यक्ति की विषय में ठान रहा हूं कि ये व्यक्ति प्रभु में आना चाहिए, एक अन्य जाति व्यक्ति है और वो परमेश्वर राज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और कुछ दिन हुए मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और उस व्यक्ति वो मजबूर हुआ, वो व्यक्ति मुझे फोन करता है और बोल रहा है मुझे आपसे मदद चाहिए, और अभी मैं उसको गॉस्पेल दे रहा हूं। प्रेज गॉड, आमीन। सो ऐसे आप और हम जब सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का खुद का दिल का धड़कन है कि ऐसे और भी भेड़ हैं जो इसराइल वाला भेड़शाला में से नहीं है, उनको प्रभु लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए प्रभु का दिल का हम लोग धड़कन को हम लोग देखने पा रहे हैं वो जो दृष्टांत में, कि जाओ नगरों में जाओ, गलियों में जाओ, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को लेकर आओ, मेरे पास बहुत जगह है, बोल रहा है। इसीलिए जितने लोग सेवा कर रहे हैं इन लोगों को लेकर आना है, और आप लोगों को प्रभु उसी जगह में इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस दृष्टांत को समझते हैं, बोझ के साथ में आप उनके बीच में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, तो आप तो खुद अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किए हैं, आपके द्वारा से दूसरे अन्य जाति लोग भी प्रभु के पास में आने पाएंगे। इसलिए सेवा बंद मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, प्रभु निश्चय आप लोगों को ब्लेस करेगा अगर उनके बीच में जाकर आप सेवकाई करते हैं। आमीन। और भी कुछ बातों को देखकर हम स्पष्टीकरण करेंगे, देखेंगे कि प्रभु का इंटेंशन सिर्फ इसराइल को आशीष देना नहीं है, लेकिन इसराइल के बराबर में हम लोगों को अन्य जातियों को आशीष देना प्रभु चाहता है। गलातियों के पुस्तक उसका 3:28-29 यहाँ पर क्या लिखता है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, ना कोई नर ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो, बोलता है, देखो सबको एक झुंड में मिला दे रहे, कोई फर्क नहीं कर रहे हैं प्रभु, लेकिन यहूदी लोग फर्क करते थे। ओके, आगे देखेंगे, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वो लोग क्या बोल रहे थे, जो लोग इजरायली लोग थे वो लोग खुद सोचते थे कि अब्राहम का वंश हम लोग हैं, हम लोग ही आशीष ले सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, और यदि तुम मसीह के हो, जब कोई भी अन्य जाति व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, बोल दिया। वाह, अब्राहम का आशीष जो लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर में आता है, कोई फर्क नहीं है प्रभु। ओके, हम लोग इफिसी उसका 2:11-15 में भी देखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किस प्रकार से एक दीवार जो था अन्य जाति और यहूदियों के बीच में से उस दीवार को तोड़ दिया है, ढा दिया। पढ़ेंगे हम लोग क्या लिखता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हाँ, शारीरिक रीति से हम लोग अन्य जाति हैं। ओके, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो हम लोगों को खतना रहित बोल सकते हैं यहूदी लोग। ओके, बिना खतना वाले। फिर आगे, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन, प्रतिज्ञा के वाचा के भागी ना थे लिखा है। फिर, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, तो अन्य जाति लोग आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, तो इसराइलियों का ही परमेश्वर उनके लिए हमारा ही परमेश्वर है बोलते थे, हालांकि परमेश्वर सबका है। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे पहले हम लोग, लेकिन क्या हुआ, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, बोलते पर अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब एकदम कितना करीब हो गए, यीशु का लहू हमको परमेश्वर के एकदम निकट पहुंचा दिया है। हालेलुया, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाला तो दीवार था, यहूदी नॉन यहूदी, है ना, यहूदी गैर यहूदी, एक दीवार बीच में था, उसको यीशु मसीह ने तोड़ डाला है। हालेलुया। फिर आगे,
और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, यहूदी और गैर यहूदी दोनों को मिला के एक नया मनुष्य पैदा करे, बोल के उस सारे दीवार को तोड़ दिया गया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का इच्छा था। ओके, और इसीलिए उस दृष्टांत को यहूदियों को का जो मेंटालिटी था ना उसको मारने के लिए, उनको टटोलने के लिए उस दृष्टांत को लेकर आया। आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम में ये एक घटना ऐसा हुआ है, उससे उनका मेंटालिटी पता चलता है। हालांकि पौलुस जो अन्य जातियों के लिए सेवकाई के लिए चुना गया था, अन्य जातियों के लिए, ओके, और जितना भी 12 शिष्य लोग थे यीशु मसीह के, वो लोग यहूदियों के बीच में सेवकाई करने के लिए चुने गए थे। पतरस हुआ, यूहन्ना हुआ और याकूब हुआ, वो लोग यहूदियों के बीच में सेवकाई करते थे। लेकिन पौलुस वो भी एक यहूदी था, मैं इब्री में से, इब्री का इब्री हूं बोलता है, ओके, यहूदी के यहूदी हूं बोलता है, ओके। वो पौलुस जब सेवा कर रहा है एक जगह, एक नगर में, तो वहां पर क्या हो रहा है देखिए, उनका मेंटालिटी कैसे रहता है यहूदी लोगों को। तो प्रेरितों का काम उसका 13:44-51 यहां पढ़ेंगे क्या लिखता है। अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। देखिए अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। किसके पास? पौलुस के पास। लेकिन देखिए क्या होता है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। पौलुस का खिलाफ कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? यहूदी लोग कर रहे हैं। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। अवश्य था कि परमेश्वर का वचन यहूदी लोगों तुम लोग को पहले सुनाया जाता, ओके, सुनाया जाता, परंतु जब तुमने दूर परंतु जब तुम उसे दूर हटते हो, हटाते हो, हाँ, तुम दूर हटाते हो, हाँ, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तुम लोग तो ग्रहण नहीं करते हो, तुम उसे दूर हटाते हो, अनंत जीवन के करीब आना नहीं चाहते हो, इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग अन्य जाति की ओर फिरते हैं, हम लोग उधर जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ओके, क्योंकि प्रभु दृष्टांत में कहा है, कहां जाओ? नगरों में जाओ, मार्केट प्लेस में जाओ, लंगड़ों को, टुंडों को, एक उन है आउटकास्ट, अन्य जाति लोग, ओके, जिनको इन्विटेशन नहीं मिला था। पहला इन्विटेशन किसको मिला? यहूदी लोगों को मिला, इसीलिए तो उनके पास यीशु मसीह आए। लेकिन इन्विटेशन नहीं होने के बावजूद भी बाद में एक्सटेंड हो गया, क्योंकि परमेश्वर सबको प्यार करता है, यीशु मसीह को, पूरे जगत के पाप का, जगत के लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेजा था। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। अन्य जाति लोग बड़ा खुशी हो गए, हमारे लिए लोग आए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, वो लोग तो बड़ा खुशी हुए अन्य जाति लोग, ओके। लेकिन इनके साथ में क्या हो रहा है, यहूदी लोग के साथ में देखेंगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया। परंतु यहूदियों ने भक्तों को और कुलीन स्त्रियों को, नगर के उनके कुलीन स्त्रियों क्या किया, प्रमुख लोगों को उकसाया। क्यों, क्या उकसाया, पढ़ेंगे। और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। देखिए गॉस्पेल उनके पास में पहुंचा, वो लोग निकाल दे रहे, है ना। तो ऐसे ही प्रभु का जो इनविटेशन आया यहूदियों के पास में, हम लोग अब्राहम के संतान, अब्राहम इसी भी हम लोग आशीष पाएंगे। यीशु को ग्रहण नहीं किए, उसकी बातों को ग्रहण नहीं किए, यीशु को पथरवा करना चाहे, ओके, और इसी कारण से क्या हो गया, वो ग्रेस जो है ना अन्य जातियों की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ज्यादा हो गया। और यहूदी लोग जितना होड़ नहीं हुआ जीसस के लिए, उससे ज्यादा अन्य जाति लोग, आप और हम लोग यीशु मसीह की तरफ आ गए और सारे दुनिया में अभी सुसमाचार प्रचार हो रहा है। प्रेज गॉड, आमेन, 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 है कि नहीं। तो ये लोग पौलुस लोग दूसरे जगह में चले जाते हैं और लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं,
ओके, रोमी 11:11 लिखता है, क्या लिखता है मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, अतः मैं कहता हूं, एक्सप्लेन कर रहा है पौलुस, अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े, कि उन्होंने मतलब इसराइलियों ने, यहूदियों ने इसलिए ठोकर पाई कि गिर पड़े, इसलिए ठोकर खाए, यीशु मसीह ठोकर का पत्थर हो गया उनके लिए, गिर पड़े। पौलुस बोल रहा है कदापि नहीं, बात ऐसा नहीं है, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उधार मिला कि उन्हें जलन हो, है कि नहीं, उधार किधर चला गया, अन्य जातियों की तरफ चला गया ताकि उनको जलन हो, जलन के कारण फिर यीशु मसीह को खोजे। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह को जब इस धरती में आया था उसको अपने ग्रहण नहीं किया बोलता है, पढ़ेंगे हम लोग, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 11 और 12, वह अपने घर आया और उसने अपनों उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों मतलब कोई भी यहूदी गैर यहूदी, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज गॉड, आज इस धरती में कोई भी व्यक्ति है, यहूदी गैर यहूदी है, कोई भी देश का है, वो चाइना का है, पाकिस्तान का है, जापान का है, इंडिया का है, कहीं का भी आने जाती है, यीशु पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, परमेश्वर का संतान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, और अब्राहम का आशीष उसके जीवन में बहना चालू हो जाता है। आमीन, आमीन। सो यहूदी लोग का जो मेंटालिटी था ना, जेंटाइल्स लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, वो तुच्छ था, उनको रिजेक्ट करते थे, सामरी लोगों को तो ऐसे भी रिजेक्ट करके रखे थे, है नहीं, और अन्य जाति लोगों को अनस्पिरिचुअल मानते थे, लोग स्पिरिचुअल नहीं है, हम लोग होली हैं, हम लोग पवित्र हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, ओके। देखते हैं उसका एक छोटा सा घटना को भी यहाँ पर देखते हैं, यूहन्ना उसका 18:28-29, जब यीशु मसीह को पकड़ा है और पिलातुस के पास भेजा गया, तो पिलातुस तो अन्य जाति में से था और उसके कर्मचारी लोग भी अन्य जाति में से था, यहूदी में से नहीं थे, तो ये लोग जब वहां पर यीशु को प्रेस कर रहे हैं, पकड़वाए हैं, पिलातुस के पास भेजे, प्रेस भी कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे कैसे उस जगह में हुआ क्या है, देखे पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 18:28-29 पढ़ेंगे। तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए। हाँ, कैफा के पास से किले को ले गए। हाँ, और भोर का समय था। हाँ, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो परंतु फसा खा सके। हम लोग किले के अंदर में जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, क्यों, पिलातुस है ना अंदर में, अन्य जाति में से है ना, हम लोग पवित्र लोग है ना, अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोगों का आज ना पवित्र अपवित्र का कंसेप्ट सब उल्टा पुल्टा है, कलीसिया में भी है ना, हम सादा ड्रेस पहन रहे हैं, सादा सादा तो हम पवित्र हैं, कुछ एक एक ऐसा समुदाय है कि नहीं, अगर वो कोई मीठा खाता है, रसगुल्ला खाता है तो उसको जीभ का अभिलाषा बोलते हैं, ये पाप है समझते हैं, लोग मिठाई नहीं खाते, पता नहीं क्या क्या चीज सोच के लोग कैसे कैसे जी रहे। अरे प्रभु ही है जो हमको धर्मी ठहराता है, प्रभु है जो हमको पवित्र ठहराता है, जो चीज वचन हम लोग को स्पष्टीकरण नहीं करता है ना, उस चीज को किस तरह से हम लोग लेते हैं, उठाते हैं और हम लोग अपने अपना धार्मिकता को हम लोग स्थापित करने की कोशिश करता है। कोई भी अपने आप धर्मी नहीं हो सकता है, प्रभु धर्मी ठहराता है। हालेलुया, अभी विश्वास करने के जरिए से और पश्चाताप करने के जरिए से। आमीन, हालेलुया। तो भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो परंतु फसा खा सके। तब पिलातुस उसके पास उनके पास बाहर निकल आया और कहा, पिलातुस को बाहर आना पड़ रहा है, ये लोग तो अंदर नहीं जा रहे, बाहर आया और वो बात कर रहा है, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो, मैं तो कोई भी दोष नहीं पाता, बोल के बहुत सारे बातें होती है। ओके, अब देखिए जो लोग अपने आप को पवित्र मानते थे, यहूदी में से था यीशु मसीह, अपने भाई बंधु में से जो आया है उसी को पकड़ा देते। ओके, ये सारे बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों के ऊपर में हुआ, आपके ऊपर में हुआ, हमारे ऊपर, इसीलिए आप अपने आप को पूरा आशीषित व्यक्ति समझिए और गर्व कीजिए। हालेलुया, कि हम लोग यहूदी नहीं होने के बावजूद भी यहूदी लोगों का बराबर में हम लोग को प्रभु जी आशीष देना चाहता है और उसके लिए बुलाया है। प्रेज गॉड, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अब्राहम के संतान होते हैं और उस अब्राहम का आशीष को प्राप्त करते हैं। गलती 3:8-9 मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा,
पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ में आशीष पाते हैं। अब्राहम धर्मी कैसे ठहराया गया? विश्वास के द्वारा। तो उसी फॉर्मूला को अन्य जाति के पास में भी लगाएगा। अन्य जाति लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, तो तेरे को जैसे अब्राहम आपको जैसे धर्मी ठहराया गया था, अन्य जाति को भी इसे धर्मी ठहराया जाएगा। इसलिए तुम में सारी जातियां, मैंने तुम्हारे जैसे विश्वास करने में सारी जातियां ओके वो लोग धर्मी ठहराए जाएंगे बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया आमेन। अन्य जाति लोग यीशु मसीह से कैसे आशीष को निकाल ली है ना, आइए देखते हैं हम लोग। ऐसे आशीष हम लोग के लिए ऐसे ही है। मत्ती 15 उसका 21 से 28 यहाँ पर एक घटना है। एक स्त्री यीशु मसीह का पीछा कर रही है और यीशु मसीह देखिए कि इज़राइल के घराने को छोड़कर एक दूसरा एरिया में घुस जाता है। कौन सा है एरिया पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती 15:21-28 पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। उस प्रदेश सूर और सैदा जो है ना वो इज़राइल का रीजन नहीं था उस समय में। वहां से एक कनानी स्त्री निकली बोलता है। हाँ, फिर और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। फिर आगे, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। उसको देखिए, उसको उत्तर तक नहीं दिया यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह उसको उत्तर नहीं दे रहे। चेले लोग देख रहे हैं और यीशु मसीह दिखाना भी चाह रहा है कि क्या होता है यहाँ। ओके, फिर आगे, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, अरे प्रभु इसको विदा कर, ये अन्य जाति में से है, कनानी में से है, ये इज़राइल के घराने में से नहीं है, इसको विदा कर, हटा इसको, बोल रहे। तो यीशु मसीह देखो, यीशु मसीह को इच्छा है एक्चुअली इसको आशीष करने का। यीशु मसीह देख लिया उसके अंदर में भूख और प्यास कैसे है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। हाँ। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह जैसे चीज को छोड़ता है, इज़राइल के घराने को छोड़कर मैं किसी दूसरों के लिए भेजा नहीं गया हूँ, खोई हुई भेड़ को छोड़कर। फिर आगे, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है, है ना। अभी इसको लेके इतना कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है जो कुत्ता लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, कैसे कुत्ता बोल दिया, है ना, कुत्ता को तुम धुतकारते हैं, तुच्छ जानते हैं। चलिए उसी संदर्भ में हम लोग उठाते हैं इसको। लड़कों की रोटी, लड़कों की रोटी बोलने से इज़राइलियों की रोटी को अन्य जाति को हम कैसे देंगे बोलने का मतलब। फिर आगे पढ़ेंगे, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर सत्य है प्रभु, कुत्तों को तो नहीं दिया जाता है लड़कों की रोटी को, फिर भी क्या बोलता है, पर कुत्ते भी वह चूचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हाँ, इसके अंदर इतना विश्वास था, बोलता है हाँ मैं कुत्ता ही हूँ समझ लीजिए, लेकिन कुत्ता लोग भी मालिक का टेबल से जो गिरा हुआ जो चूरचार रहता है ना उसको खाते हैं, कम से कम उसको तो खाने दीजिए, मेरा बेटी चंगी हो जाएगी। क्या बोल रहा है यीशु मसीह, आंसर क्या देता है देखेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, वाह। फिर जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ, उसको विदा करता है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो, तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो अन्य जाति लोग विश्वास से ले जाते हैं। ओके, हम लोग भी आज विश्वास से उस उद्धार को ले लें, हम लोग भी विश्वास से अब्राहम का आशीष को लेते हैं, आमेन। हाँ, फिर और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बातें हम लोग सीख रहे हैं। तो ये दृष्टांत को जो रखा गया था कि जो लोग इनवाइट किया गया था वो लोग इतना एक्सक्यूज किए, इज़राइलियों के बीच में यीशु मसीह आया लेकिन उन्होंने अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना, और नहीं करने के कारण से एक्चुअली ग्रेस और वो जो फेवर है अन्य जातियों की तरफ इतना मुड़ गया कि पूरे सारे जगत में, है ना, इज़राइल लोग उधारकर्ता के रूप में, यीशु को उधारकर्ता के रूप में अन्य जाति लोग ग्रहण किए, लेकिन अभी बहुत धीरे से यहूदी लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। मेन कब करेंगे यहूदी लोग यीशु को ग्रहण करेंगे मालूम, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा और महाक्लेश होगा उस टाइम में, महाक्लेश का एंड में मैंने बताया था कि सारे दुनिया के लोग जितना भी देश हैं वो इस जेरूशलेम को घेरेंगे उसको अटैक करने के लिए,
तब रियली बोलेंगे हाँ यीशु ही प्रभु है, और यीशु को पुकारेंगे तब यीशु मसीह का दृश्य आगमन होगा। हालेलुया। और वो लोग यीशु मसीह को पुकारेंगे, विश्वास करेंगे तो प्रभु उनको बचाने के लिए आएगा। उस टाइम में रियली एक बड़ा भीड़ आएगा, है कि नहीं? लेकिन अभी इतना हलचल नहीं है। आप यरूशलेम में जाएंगे तो आपको लगता है कि वहां पर हाँ कुछ लोग हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, लेकिन ज्यादातर लोग का है जुडाइज्म को फॉलो करते हैं वो लोग। ओके, वही पुराना रीति विधि को फॉलो करते हैं। एक जुडाइज्म एक तो मिक्स्ड कल्चर बन गया है वहां पर। लेकिन ये लोग अब्राहम की संतान है, अभी तक बहुत सारा एरिया में उनका आंख नहीं खुला है। हाँ, पुराना नियम का 5 पुस्तक के लिए आंख खुला हुआ है, या तो उसके ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर में ध्यान नहीं है। इसलिए क्या हो गया, लंगड़ो टूंडो गरीबों इनको बुला बुला है। और आप और हम लोग आज उस राज्य के ओर आगे हैं, उस भोज में शामिल होने के लिए। हम लोग उस इनविटेशन को जो ये लोग भरना चाहिए था जगह, उसको भरने के लिए प्रभु ने आपको और हमको बुला दिया है। सो हम लोग अन्य जाति है, हम लोग को प्रभु ने तिरस्कार नहीं किया है, लेकिन हम लोग को गले लगाए, हम लोग अपनाया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप उधार पाए हैं, एक बहुत बड़ा फेवर पाए हैं, तो उस फेवर को अपने तक मत रखिए, उस अनुग्रह को अपने तक मत रखिए, उसको बांटिए, प्रचार कीजिए, सेवा कीजिए। प्रभु का राज का एक्सपेंशन के लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। परमेश्वर को भाएगा और आपको बहुत अधिकाई से आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। आमेन। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष दे। आमेन। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम लोग खतना रहित इंसान थे, हम लोग प्रभु जी आशाहीन थे, वचन बोलता है लॉर्ड, और हमारा कोई ईश्वर नहीं था प्रभु जी। लेकिन आप जो इज़राइल का ईश्वर हमारा भी परमेश्वर ठहर गए, आप अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर ठहर गए, आप इज़ाक का परमेश्वर, आप याकूब का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर आप ठहर गए हैं, यीशु को ग्रहण करने के जरिए से प्रभु जी। और आज अब्राहम का आशीष को हमें दे दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इवन पवित्र आत्मा को भी छाप लगाया है, हमको इतना धन्य माना है, हमको इतना आशीषित किया है प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी, हमको ग्रेस दे कि प्रभु जी इस सुसमाचार को दूसरों तक लेकर जाने पाए, आपका राज का एक्सपेंशन का काम में लगे रहने पाए। हमारे जितने व्यूअर्स हैं प्रभु जी, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं प्रभु जी, तुझे नहीं जानते नहीं पहचानते, उनके बीच में प्रभु जी परमेश्वर पिता को इस्तेमाल कर प्रभु जी, अनुग्रह दे सामर्थ्य रूप से, ताकि नए आत्माओं को प्रभु जी तेरे राज में लेकर आए, और उस भोज में लोगों को शामिल करने में परमेश्वर तो होड़ में लगे रहने पाए, और उसका प्रतिफल को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पैराबल्स ऑफ जीसस, उसका जो इतना महीना हम लोग चलाए उसको यहां पर एंड करते हैं, और 5-6 पैराबल्स बचे हैं, और जरूरी पढ़ने से हम बीच बीच में लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में, और उसको भी हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि आप लोग और भी बातों को समझने पाए। हालेलुया। टिल देन आप लोग वेट कीजिए, आने वाला सप्ताह प्रभु क्या लेकर आता है, हम सीरीज में बातें करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे, आपको नहीं मालूम। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे दिल में बात डाले, हम किस बात को आप लोगों के बीच में लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।